यातायात माह के अंतर्गत तथा एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस एवं सिविल डिफेंस के वार्डन सदस्यों की संयुक्त टीम ने यातायात नियमों का प्रचार प्रसार किया तथा साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने के लिए पंपलेट का वितरण किया गया तथा असरुन स्थित राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि यातायात के बारे में सभी लोग जानते हैं लेकिन इसका अनुपालन करना कोई नहीं जानता। समाज में पुरुष या महिला सभी एक समान है। वाहन चलाते समय सड़क नियमों का पालन करें और दूसरों को भी बताएं ताकि सड़क दुर्घटनाओं से स्वयं और दूसरों को दुर्घटना होने से बचाया जा सके। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य लगाएं तथा चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें। नशे की हालत में वाहन को बिल्कुल ही न चलाएं। उन्होंने कहा कि अगर कोई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता हुआ दिखाई देता है तो उसकी फोटो खींचकर यातायात हेल्पलाइन नंबर 8081208567 पर व्हाट्सएप करें तथा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर यातायात निरीक्षक अजीत कुमार पांडे, उप निरीक्षक राहुल राव, इंदल राम, ब्रजेश कुमार सरोज सहित अन्य ट्रैफिक पुलिस और नागरिक सुरक्षा कोर के वार्डन मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, जैसा कि आप जान रहे हैं कि नवंबर माह के लिए यातायात माह के रूप में मनाया जा रहा है और यातायात माह में जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत हम विद्यालयों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के स्वयंसेवी संगठन, एनजीओ, ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन, पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं समाज के विभिन्न वर्गों के माध्यम से हमारी पहुंच, हम घर घर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं ताकि यातायात नियमों के बारे में घर घर में जागरूकता हो जाए। इसी कड़ी में सिविल डिफेंस से भी हमने सहयोग लिया है और सिविल डिफेंस के जवान भी ट्रैफिक पुलिस के जवानों के साथ चौराहों पर खड़े होकर ट्रैफिक का संचालन कर रहे हैं और ट्रैफिक के संचालन के साथ साथ जो लोग चौराहे से गुजर रहे हैं उनके लिए यातायात नियमों के बारे में बता रहे हैं। उनको इस बारे में भी बता रहे हैं कि हेलमेट को सिर्फ सर पे ना रखें, उसको अच्छे से टाइटली थोड़ी के नीचे बांधें तभी वो आपकी सुरक्षा करेगा। उनको हेलमेट लगाने का प्रॉपर तरीका बताया जा रहा है, प्रॉपर सिग्नल्स के बारे में उनको भलीभांति ब्रीफ किया जा रहा है। तो सिविल डिफेंस के हमारे जो स्थानीय इकाई है गोरखपुर की, इसके जो नियंत्रक हैं गुलाटी जी और सिविल डिफेंस के सभी पदाधिकारियों का मैं ट्रैफिक पुलिस की ओर से शुक्रगुजार हूं कि यातायात जागरूकता की इस मुहिम में गोरखपुर वासियों को जगाने में ट्रैफिक पुलिस के साथ वो भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। यातायात संबंधी
नियमों के पैम्पलेट्स हमारे पास हैं, उनके लिए हम जगह जगह विद्यालय में भी वितरित कर रहे हैं, और चौराहों पर जो नागरिक वहाँ से गुजर रहे हैं उनके लिए भी हम वितरित करके जागरूकता का प्रयास कर रहे हैं। सर, राजकीय पॉलिटेक्निक में बच्चों को जागरूक किया गया? राजकीय पॉलिटेक्निक की 400 छात्राओं के लिए आज यातायात जागरूकता संबंधी कार्यक्रम वहाँ आयोजित किया गया, और आयोजन में उनके लिए यातायात नियमों के संबंध में बारीकी से बताया गया, और स्पेशली उनको ये बताया गया कि यातायात जागरूकता का मेन उद्देश्य ये है कि सब लोग यातायात नियमों का पालन करें, जिससे सड़क पर कहीं जाम या अवरोध की स्थिति ना हो या कोई दुर्घटना ना हो जिससे कि मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। तो इसमें हमारी जो बेटियां हैं, बेटियों का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए छात्राओं को ये बताया गया कि आप घर से नियंत्रण स्थापित करें, सबसे पहले अपने पेरेंट्स और भाई बहनों पर नियंत्रण करें कि वो लोग बिना हेलमेट बिना सीट बेल्ट के ना चलें, और आगे चल के जब आपकी परिवार की जिम्मेदारी होगी तो सुरक्षा की शुरुआत आप माँ बहन और बेटी के रूप में अपने घर से ही शुरुआत करें। जब घर से ट्रैफिक नियमों के प्रति लोग अवेयर हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और सभी नागरिक यातायात नियमों का पालन करके इस शहर को स्मार्ट बनाने में मदद करेंगे, योगदान देंगे अपना। थैंक यू।